हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सी ए कल्ट। आज यानी कि 30 दिसंबर 2021 में डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया है रिगार्डिंग द मैकेनिज्म फॉर फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम बाय द टैक्स पेयर रजिस्टर्ड इन द एर्सवाइल यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड ड्यू फॉर द पीरियड प्रायर टू द मर्जर विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। डिपार्टमेंट ने बताया है, मतलब क्लैरिफाई किया है कि जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स थे यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड ड्यू में, उनको रिफंड क्लेम करते टाइम कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। रिफंड कौन से पीरियड का? पीरियड प्रायर टू द मर्जर विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। मतलब मर्जर से पहले के पीरियड का कोई रिफंड है, वो टैक्स पेयर को क्लेम करने में प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम किस टाइप की? तो वो प्रॉब्लम ये थी, फॉर एग्जाम्पल, डेट ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द ITC फ्रॉम ओल्ड GSTN नंबर टू द न्यू GSTN। सिंपल सी बात है कि जब दो यूनियन टेरिटरी मर्ज होंगी तो ऑब्वियसली जो जिसके साथ मर्ज होंगी तो उसी यूनियन टेरिटरी का GST नंबर यूज़ होगा, ठीक है। मतलब कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड डीयू के टैक्स पेयर्स थे, वो जब मर्ज होकर यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली के टैक्स पेयर्स बने तो अकॉर्डिंगली उनका GST नंबर भी चेंज हुआ, ठीक है। तो उसके GST नंबर चेंज होने के साथ एक प्रॉब्लम ये आई, डेट ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ ITC फ्रॉम ओल्ड GST नंबर टू द न्यू GST नंबर। अगर GST नंबर चेंज होगा तो ऑब्वियसली पुराने वाले GST में जो ITC था उसको न्यू वाले GST में उन्होंने ट्रांसफ़र किया। तो ट्रांसफर करने के साथ क्या हुआ, द टैक्स पेयर आर अनेबल टू अप्लाई फॉर द रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई एंड इन्वर्टेड रेटेड स्ट्रक्चर फॉर द पीरियड प्रायर टू द मर्जर इन रिस्पेक्ट ऑफ ओल्ड GSTN as they have no ITC available in the electronic credit ledger of the old GST number for debiting the amount from the electronic credit ledger for claiming the refund of unutilized ITC। यानी कि जब taxpayers refund apply करने जा रहे थे अपने new GST number से, तो obviously वो apply करेंगे पुराने GST number पे। तो पुराने GST number पे तो ITC था ही नहीं, क्योंकि ITC पुराने GST number से transfer होके new वाले में आ गया था। तो अब जब वो अप्लाई करेंगे तो कोई ITC अवेलेबल ही नहीं दिखाएगा उनके ओल्ड GST नंबर पे। तो जब ITC नहीं होगा तो उसका रिफंड कैसे क्लेम कर पाएंगे, पहली प्रॉब्लम। सच टैक्स पेयर आर ऑल्सो अनेबल टू अप्लाई फॉर सच रिफंड क्लेम फ्रॉम द न्यू GST नंबर। उनको न्यू GST नंबर पे भी रिफंड अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज ऑल द इनवॉइसेस बियर द ओल्ड GST नंबर एंड द सिस्टम हैज सर्टेन वैलिडेशंस व्हिच डू नॉट अलाउ द रिफंड एप्लीकेशन टू बी फाइल्ड फ्रॉम द न्यू GST नंबर फॉर द पीरियड प्रायर टू द मर्जर। मतलब अगर वो टैक्स पेयर्स न्यू GST नंबर, जो कि उनका करंट GST नंबर है, उस GST नंबर के थ्रू अप्लाई कर रहे थे, तब भी वो अप्लाई नहीं हो पा रही थी उनकी एप्लीकेशन रिजर्विंग, क्योंकि सारे इन्वॉइस जो थे वो पुराने GST नंबर के थे और सिस्टम में कुछ ऐसे वैलिडेशंस होते हैं जिसकी वजह से विच डू नॉट अलाउ रिफंड एप्लीकेशन टू बी फाइल्ड। सो ये दो प्रॉब्लम थे, पुराने वाले से अप्लाई कर रहे थे तो ITC अवेलेबल नहीं था, और अगर न्यू वाले से अप्लाई कर रहे थे तो वो इन्वॉइस पुराने GST नंबर के थे तो सिस्टम वो अलाउ नहीं कर रहा था एप्लीकेशन। तो डिपार्टमेंट ने इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन इशू करी है, मतलब उन्होंने एक प्रोसीजर बताया है कि आप इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ने बताया, द एप्लीकेशन फॉर द रिफंड शैल बी फाइल्ड अंडर एनी अदर कैटेगरी। मतलब जो हम रिफंड एप्लीकेशन जब अप्लाई करते हैं, रिफंड अप्लाई करते हैं, तो उसमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है कि इस कैटेगरी में हम अपना रिफंड अप्लाई कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ने बोला, हम सेलेक्ट करेंगे एनी अदर कैटेगरी ऑन द GST पोर्टल यूजिंग देयर न्यू GST नंबर। मतलब न्यू GST नंबर से अप्लाई करेंगे, एनी अदर कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, और रिमार्क्स कॉलम में जो होगा हम उसमें लिख देंगे उसके रिगार्डिंग, रिमार्क्स के रिगार्डिंग। डिपार्टमेंट ने एग्जाम्पल दिया है, इफ द एप्लीकेंट्स वांट्स टू क्लेम द रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इन रिमार्क कॉलम ही शैल एंटर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द पीरियड प्रायर टू द मर्जर ऑफ दमन एंड ड्यू विद द दादरा नगर हवेली। मतलब हम अपने रिमार्क्स कॉलम में पूरा केस जो है वो मेंशन कर देंगे कि ये रिफंड जो है ये प्रायर मर्जर पीरियड क्या है, ठीक है। तो उसके बाद डिपार्टमेंट ने कहा था, एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विच अदरवाइज आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड विद द रिफंड क्लेम। डिपार्टमेंट ने कहा कि हम एनी अदर सेलेक्ट करके रिमार्क्स कॉलम में हम पूरा केस जो है वो डिफाइन कर देंगे, देन उसके बाद जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमें अदरवाइज रिक्वायर्ड थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पे भी जो है सबमिट करेंगे। देन आफ्टर डैट एट दिस स्टेज द एप्लीकेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी डेबिट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। मतलब एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम या सबमिट करने के बाद हमें अपना जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट नहीं करना,
यहाँ डिपार्टमेंट ने लिख दिया कि एट दिस स्टेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू डेबिट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ओके, तो फिर वो कब करेंगे? डिपार्टमेंट ने पॉइंट थ्री बोला कि हमने एप्लीकेशन जब सबमिट कर दी तो ऑन द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन द प्रॉपर ऑफिसर शैल कैलकुलेट द एडमिसेबल रिफंड अमाउंट। तो प्रॉपर ऑफिसर जो होगा वो हमारी एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करेगा, चेक करेगा, और जब उसको लगेगा कि हाँ द होल अमाउंट और एनी पार्ट ऑफ द अमाउंट क्लेम इज पेबल एज रिफंड, जब उसको लगेगा कि पूरी अमाउंट जो हमने क्लेम करी है या फिर उसका कोई पार्ट पेमेंट जो है वो एलिजिबल फॉर रिफंड है, देन दैट प्रॉपर ऑफिसर शैल रिक्वेस्ट द एप्लीकेंट इन राइटिंग इफ रिक्वायर्ड टू डेबिट द सेम अमाउंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर थ्रू फॉर्म GST DRC 03। वंस द प्रूफ ऑफ सच डेबिट इज रिसीव्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ही शैल प्रोसीड टू इशू द रिफंड ऑर्डर इन फॉर्म GST RFD 06 एंड द पेमेंट ऑर्डर इन फॉर्म GST RFD 5। मतलब जब प्रॉपर ऑफिसर जो है वो एप्लीकेंट को रिटर्न में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो बताएगा कि भाई अब आप जो है अपनी अमाउंट को मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट कर सकते हो थ्रू फॉर्म GST DRC 03। और जब प्रॉपर ऑफिसर को ये प्रूफ मिल जाएगा कि आपने डेबिट कर दी है, देन वो आपका रिफंड जो है वो प्रोसेस कर देगा। सेकेंड पॉइंट, अगर वो कोई ऐसी कैटेगरी है जिसमें हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है अपना IT से डेबिट करने की, तो उस कैटेगरी के रिफंड एप्लीकेशंस में फॉर दोस कैटेगरीज ऑफ द रिफंड वेयर द डेबिट ऑफ द ITC इज़ नॉट रिक्वायर्ड द एप्लीकेंट मे अप्लाई फॉर रिफंड अंडर एनी अदर कैटेगरी। मतलब कैटेगरी जो है वो एनी अदर ही रहेगी, मेंशन करेंगे रीज़न इन रिमार्क्स। मतलब ये प्रोसीजर तो सेम रहेगा एनी अदर कैटेगरी का, देन आफ्टर दैट रिमार्क कॉलम में हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे। सच एप्लीकेशन शैल ऑल्सो बी कम्प्लीट बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे विच आर अदरवाइज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द रिफंड क्लेम। ओके, मतलब प्रोसीजर सेम रहेगा चाहे आपका ITC डेबिट हो या ITC डेबिट ना हो। ओके, एक लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें डिपार्टमेंट ने बोला कि नो रिफंड क्लेम रिक्वायरिंग डेबिट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और वेयर द रिफंड वुड रिजल्ट इन रिक्रेडिट ऑफ द अमाउंट सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी फाइल यूजिंग ओल्ड GST नंबर। डिपार्टमेंट ने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि कोई भी रिफंड की एप्लीकेशन होगी कौन से पीरियड की, जो पीरियड हमारा इनटू कंसीडरेशन है, यानी कि पीरियड प्रायर टू द मर्जर की रिफंड एप्लीकेशन कोई भी होगी, चाहे उसमें ITC डेबिट हो या ना हो या किस भी टाइप का रिफंड हो उस पीरियड का, वो हम नहीं क्लेम कर सकते बाय यूजिंग ओल्ड GST नंबर। मतलब कोई भी रिफंड की एप्लीकेशन जो है वो पुराने GST नंबर यूज़ करके हमें अप्लाई नहीं करनी। मतलब हर एप्लीकेशन जो है किसी भी तरीके की रिफंड की हो वो न्यू GST नंबर के थ्रू ही फाइल की जाएगी। सो ये डिपार्टमेंट ने आज सर्कुलर इशू किया है जिसमें उन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से जो है टैक्स पेयर्स अपना उस कंसर्न पीरियड का जो है रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।